कारण क्योंकि प्रथम आवृत्ति है, शीघ्रता में पूर्ण हो जाए। 101 मुद्राएं भैया श्री संजय नायक जी, ग्राम मलका, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, आपकी तरफ से संजय भैया को भी धन्यवाद है। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, कौन सा? छोटा सा गीत बिल्कुल, फिल्मी गीत कह रहा है कि तू ही सनम मेरी पहली मोहब्बत, नहीं कुछ सिवा प्यार के, तो आके तू लग जा गले मेरे यार, आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, गीत में एक छोटा सा काम है, कैसे? आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, आदनी शंभू हलचल जी, पहला चक्र है आपके लिए, कोई काम है नहीं, बारीकियों को समझते रहिए। और निवेदन कर रही हूं आप सब लोगों से, हर जगह उठते बैठते सोते जागते एक नाम चलता है, आपके रोजाना जिंदगी में भी ये काम करता है ये नाम, और वो कुछ और नहीं, वो नाम है दो अक्षर का प्यारा नाम, यानी राम। सवाल उठता है, दुनिया कहती है कि भोलेनाथ राम राम, भोलेनाथ का नाम यानी भोलेनाथ राम राम जपा करते हैं, और राम राम भोले भोलेनाथ को जपते हैं, दोनों एक दूसरे को जपते हैं, जय हो, दोनों एक दूसरे को मनाते हैं, शाबाश। लेकिन जरा देखिए, राम भगवान भोलेनाथ को ये राम क्यों प्यारे हैं, क्यों क्यों, और देखिए कहां कहां मिले, के रावण से प्रेम शिव का है पाया, रावण से प्रेम शिव का है पाया, तो रावण सुरसरी में सिर पे बिठाया, सुरसरी यानी गंगा, सुरसरी में भी राक्षस तो भोलेनाथ ने सर पर धारण किया, और रावण राकेश भाल पे सजाया, भोलेनाथ ने इस राक्षस को अपने आप से कभी अलग ही नहीं होने दिया, क्या बात है, तो रावण राकेश भाल पे सजाया, रावण डमरू में जो कर से बजाया, रावण डमरू में कर से बजाया, और जब बजाया तो कह दिया कि रा राम
रा राम में राम रटते त्रिपुरा के रा राम में राम रटते त्रिपुरा। अब भोलेनाथ कहते हैं क्या? कि नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा प्यार के, और इस दुनिया में भोलेनाथ करे नहीं कुछ सिवा राम के। ओ रा राम में राम रटते त्रिपुरार, नहीं कुछ सिवा राम के, क्योंकि रा ब्रह्म में पाया ग्रंथों का सार, के रा ब्रह्म में पाया ग्रंथों का सार, नहीं कुछ सिवा देखिए 101 मुद्राएं और साथ में एक पुष्पमाल आशीर्वाद है मेरे लिए पूजनीय चाचा हमारे आदरणीय श्री लालचंद दीक्षित जी, आपके माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। चाचा को प्रणाम है मेरी तरफ से, और व्यवस्थाओं में आप लगे हैं उसके लिए भी धन्यवाद है, और जो भी लोग आ रहे हैं सबके लिए उचित व्यवस्थाएं, आप कहीं ना कहीं थोड़ी व्यवस्थाएं खुद भी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है, आपका है। कैसे? और देखिए राक्षर यानी ये राम भोलेनाथ के कहां कहां बस रहा है। के रावण रुद्राक्ष में अति लुभावन, आदरणीय शंभू अलचल जी देखिए पहले सर से गीत आगे बढ़ रहा है। कैसे? तो रावण रुद्राक्ष में अति लुभावन, रावण विषधर में माला सुहावन, और ये एक और मेरी तरफ से जितनी बहनें हमारी बैठी हैं, हमको ऐसा लग रहा है आज हम कीर्तन नहीं गाने आए, महिला मोर्चा लेकर बैठे हैं तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि नारी सशक्तिकरण के लिए लोग प्रेरणा देते हैं और हमारी तरफ सब देवियां बैठी हैं। आदरणीय सम्मानीय श्रीमती माया सोनी जी, बड़ा अच्छा आप गाती हैं और बड़ा नाम होता है आपका, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपको। स्नेह है मेरा कि आप खूब दूर दूर तक अपना नाम करें और अपने बुंदेलखंड का नाम करें। बहुत धन्यवाद है। तो रावण रुद्राक्ष में अति लुभावन, रावण विषधर में माला सुहावन, और रावण राहु में लगता मन भावन, रावण नरसिंह में देखिए श्रृंगार चल रहा है भोलेनाथ का, और केवल श्रृंगार ही नहीं भोलेनाथ को और क्या पसंद आया। के रा है, खाने पीने की बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन भोलेनाथ को देखिए क्या बोला। के रा है गरल में लिया कंठधार, गरल में यानी जहर, जहर लिखी है उसमें भी रा, गरल लिखी है उसमें भी रा, और जब जहर को पिया तो उस पान पत्र में रा और माँ यही दो अक्षर लिख कर पी लिए, भोलेनाथ मरे नहीं अजर अमर हो गए। रा है गरल में लिया कंठधार, और कह दिया कि नहीं कुछ सिवा राम के, में शंभू अलचल जी। अब देखिए गीत आगे बढ़ रहा है,
रावण पाघंबर में सुहावे और रावण गौरा में मन को है भाए। पाघंबर में भी राक्षस, सुरसरी में, रुद्राक्ष में, विषधर में, अब बारी आई पाघंबर में। और जो गौरा है साथ में वहां मांगी, उनके नाम में भी राक्षस। तो रावण पाघंबर में सुहाए, रावण गौरा में वाम अंग भाए, और रावण हरि में हृदय में बसाए, रावण त्रिशूल में जो कर में उठाए। केवल गरल ही नहीं, जहर ही नहीं देखी, और किया क्या भोलेनाथ ने, के राहे धतूरे में करते आहा। धतूरा खाकर भी लोग मर जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ नहीं मरे। के राहे धतूरे में करते आहा, जो कोई नहीं खाता पीता वो भोलेनाथ खाते पीते। तो राहे धतूरे में करते आहार, और कहते हैं कि नहीं कुछ सिवा राम के। आखिरी पंक्ति जोड़ रही हूं, आखिर सवाल उठता है भोलेनाथ को, ये राम सबसे प्रिय क्यों है। भोलेनाथ के मन में एक बार इच्छा जागी कि मैं राम राम जपा करता हूँ, कभी राम के दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग एक मृत शरीर को यानी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि राम नाम सच है, राम नाम सच है, मुर्दा बड़ा मस्त है। लोग चिल्ला रहे राम नाम सत्य है, भोलेनाथ को लगा कि लगता है इस कपड़े के नीचे मेरे राम लेटे हैं जिसको लोग लिए जा रहे हैं। बस भोलेनाथ पीछे लग लिए, लोगों ने जाकर उस मृत शरीर को मरघट पर उतारा और अंतिम संस्कार किए, अपने सारे क्रिया कर्म करके वो चल पड़े। सारे लोग भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं अभी तक राम तो दिखे नहीं, लेकिन भोलेनाथ वहीं पहुंच गए जहां उस शरीर को जलाया गया। भोलेनाथ ने देखा वो शरीर भी नहीं है, केवल राख पड़ी है, तो बस उस राख को ही उठा लिया, कहा जिंदगी में जो भी सब कुछ है वो राख हो जाना है, यानी कि यही मेरे राम है। और उसी राख को उठाकर शरीर पर मल लिया, आ यही मेरे राम है। और इसलिए दुनिया में जो भी है वो सब भस्म हो जाना है, सब राख हो जाना है। आज जिनकी पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है, उनके लिए भी कभी लोगों ने चिल्लाया होगा राम नाम सत्य है, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे हम हो चाहे आप हो, दुनिया में सबको जाना है और सबके लिए ये एक दिन आना है। क्या बात बेटे? तो भोलेनाथ कह रहे हैं क्या? के रा राख से और मरघट से माली, रा राख से और मरघट से माली, तोरा और मा जान धूनी रमाली, दुनिया में यही राख हो जाना है सब कुछ। तो राख का रा ले लिया और मरघट का मां, सबको जाना वहीं पर है। तो रा और माँ जान धूनी रमाली, और रा और माँ सृष्टि की आत्माली, तो रा और माँ अपने तन में बसाली, जब तन और मन सब जगह बसा लिया तो लिखना पड़ा रावण। मेरे इस पूरे गीत में
के रावण से क्रांति शिव के श्रृंगार। अरे रावण से क्रांति शिव के श्रृंगार, क्योंकि ये सत्य है कि नहीं कुछ सिवा राम के। अपनी तरफ से गीत रहा चक्र भी आपने सुना है। सुना है शमानिया क्रांति माला जी के द्वारा महिला मोर्चा की अध्यक्ष। बहुत ही अच्छा सवाल और जवाब भी बड़ा लाजवाब रहा है। और ये बहुमूल्य 101 रुपए का इसने हमारे साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं बड़े भाई अरुण शुक्ला जी के लिए दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी के द्वारा प्रदान हुआ है। हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। क्योंकि जो भी गीत और जो भी उत्तर जाएंगे यहां पर हमसे मनीषी विद्वान श्रोता बंधु बैठे हैं और कीर्तनकार बैठे हुए हैं, अगर कहीं कोई टिप्पणी की जाएगी जैसा कि राजू भैया ने कहा है तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा होगा। बहुत बढ़िया उत्तर रहा है। एक बात उत्तर के रूप में आपने दी है कि रक्तबीज जैसे शुरू हो रहा है वैसे ही खत्म हो रहा है, यानी बूंद गिरती है तो रक्तबीज उत्पन्न होता है बेटे, यानी बूंद गिरती है रक्त की तो रक्त बीज उत्पन्न होता है। हाँ हाँ। और जब बूंद गिरती है क्रांति जी तो रक्त बीज खत्म होता है। ये आपने बताया है कि जैसे शुरू हो रहा है वैसे खत्म हो रहा है, ठीक बात, ऐसे ही हो रहा है जैसे आप बता रही हैं। बस ऐसे हो रहा है, बिल्कुल तरीका बिल्कुल सही है। फिर आपने बताया है जानकी की उत्पत्ति, जानकी जैसे शुरू हो रही है धरती से निकल रही है वैसे ही खत्म हो रही है, निकल के ही खत्म हो रही है, अंदर जाके खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, बढ़िया बिंदु रहा है। आपका तरीका है, आप कैसे शुरू करती हैं कैसे खत्म करती हैं ये आप जाने। आइए चलाओ, बहुत बढ़िया एक गीत आया है आपकी ओर से, प्रयास कर रहा हूं उत्तर के रूप में शायद बन जाए। गीत कह रहा है अरे तू है सनम मेरी सही करो ये वो बात नहीं आ पा रही जो होनी चाहिए, आज नहीं आ पा रही, वैसे आपको कुछ कहना ठीक नहीं है। गीत कह रहा आपका अरे जमाने के देखे हैं रंग हजार नहीं कुछ सिवा प्यार के। शंभू जी इस गीत में काम लगा है, ठीक कहा आपने, क्योंकि आप काम लगाना जानते हो, हम लोग काम लगाना जानते नहीं है। आप लगाना जानते हो, आपने लगा दिया है बेटे। अब हम लोग उतना जानकारी नहीं है, नहीं है, जो मुझे जानकारी है वो हम लगाए दे रहे हैं। आइए बहुत बढ़िया गीत लिया है, रावण शिव का पाया, रावण सुरसरी, रावण राकेश, रावण डमरू। फिर आपने लिया है कि रावण गरल, गरल में रा है, जहर में रा है,
अगर क्रांति जी बिस कह दिया जाए तो फिर कहाँ राह है? बहुत अच्छे आपने कहा सुरसरी में राह है, अगर गंगा कह दिया जाए खैर ठीक है, क्योंकि आपने बढ़िया प्रयास किया है, जहां तक आपको मिल पाया है वहां तक आपने मेहनत की है, वो उत्तर सुनिएगा आदरणीय क्रांति जी और आदरणीय जन समुदाय। मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे अशोक त्रिवेदी जी, हमारे हृदयांश भाई लोकेंद्र भैया, सम्मानी पाठक जी आप सभी का स्वागत है, पवन भैया आइए चलाओ आदरणीय जन समुदाय, सुनिएगा आपने रा वर्ण लिया है लेकिन रा कब पूर्ण होगा ये शंभो हलचल बता रहा है, सुनिएगा कहना है अरे सावर्ण से शिव आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत विद्वान श्रोता बंधु बैठे हुए हैं। अरे सावर्ण से शिव और सावर्ण सीता तो सावर्ण सुख धाम की है पुनीता, क्या बात है यो। आदरणीय क्रांति जी सुनिएगा उत्तर ला रहा हूं, अरे सावर्ण सुरसरी में मैंने है पाया तो अरे सावर्ण राकेश में भी समाया, तब तब क्रांति जी अरे सावर्ण शिव है कि सावर्ण से शिव रा रघुवर करतार, तब तब मिलके वो शिव राम है, क्या बात है? उत्तर आ जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा, मिलकर वो शिव राम है, क्या बात है? तो फिर क्रांति जी अरे सासे अरे सासे बढ़ जाती है शक्ति अपार, जब संग में सिया राम है, शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है क्रांति जी। देखिए तमाम पुरस्कार आ रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूं, ऊपर 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 भैया भैया हमारे लखा भैया आपकी ओर से 501 रुपए का स्नेह आया है और ये बहुमूल 501 रुपए हमारे हृदयांश भाई पवन भैया अच्छे आयोजक हैं आप, आपकी ओर से आया है और हमारे सम्मानी पाठक जी आपकी ओर से ये 201 रुपए आए हैं। श्री प्रेम नारायण तिवारी प्रधान जी ग्राम सभा बसौट महोबा उत्तर प्रदेश आपकी ओर से ये 251 रुपए का स्नेह आया है, सम्मानी प्रेम नारायण भैया हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है, सुनिएगा और ये भैया दया शंकर पटेल जी आपकी ओर से ये 101 रुपए आए हैं, सुनिएगा प्रयास कर रहा हूं कहना है और भैया हमारे वीरपाल जी अच्छे श्रोताओं में अच्छे आयोजक हैं, आपकी ओर से इन्हीं जवाब पंक्तियों पर ये बहुमूल्य 101 रुपए आए हैं और आदरणीय पाठक जी ने कहा है दोबारा दोहरा दिया जाए, सुनिएगा प्रयास कर रहा हूं कहना है अरे सावर्ण से शिव और सावर्ण सीता और सावर्ण सुख धाम की है पुनी, अरे सावर्ण सुरसरी में हमने है पाया और सावर्ण राकेश में भी समाया, तो सावर्ण से शिव रा रघुवर करता,
तब होते ये शिव राम हो और सासे बढ़ जाती है शक्ति अपार जब संग में सिया राम हो शरीर के नीचे लेटे हुए नहीं क्रांति जिस समय उस पार्थिव शरीर को लोग मरघट पर ले जाते हैं वहां से बंधु बांधव इष्ट मित्र परिजन सभी चले आते हैं शाबाश वो मिट्टी जला करती है जब वो राख हो जाती है बेटे तो उसके बाद भगवान भोलेनाथ वहां पहुंच जाते हैं और उस राख को उस पार्थिव शरीर की राख को अपने तन में लपेटा करते हैं क्योंकि उसमें राम ढूंढते हैं कहां क्या बात है सुनिएगा प्रयास कर रहा हूं आपने रावण लिया है एक प्रयोग और देखिएगा कहना है और ये बहुमूल्य 251 रुपए का प्रेम प्रसून भैया श्री कमलेश मिश्रा जी आपकी ओर से आया है बहुत बहुत धन्यवाद है कमलेश भैया जरा सुनिएगा दूसरा प्रयोग कर रहा हूं अरे सावर्ण समसान में भी है पाया सावर्ण सौ है क्या बात कि सावर्ण सौ है सा से है शक्ति और सा से शिवा में है शिव की आसक्ति तो कहना पड़ा अशोक भैया सावर्ण आप में भी है क्या बात है तो कहना पड़ा अरे सा से सुशोभित है अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा अरे सासे सुशोभित है शिव का श्रृंगार बहुत अच्छे क्योंकि सावर्ण नहीं तो श्रृंगार नहीं श्रृंगार अधूरा अरे सासे सुशोभित है शिव का श्रृंगार जब संग में सिया राम हो सासे सुशोभित है शिव और सासे है बढ़ जाती शक्ति अपार जब संग में सिया बहुमूल्य आशीर्वाद बड़े भाई सम्माननीय परम श्रद्धे दयाराम भैया ये आपकी ओर से बहुमूल्य ले बेटा ले बिटिया रानी थोड़ा रुक जाओ बहुमूल्य आशीर्वाद आया है सम्माननीय दादा श्री दयाराम आजाद जी जो कि पूनम आजाद जी के पिता श्री हैं और कीर्तन में एक अद्वितीय रचनाकार हैं आप आपकी ओर से आशीर्वाद आया है बहुत बहुत धन्यवाद है और ये बहुत ही अच्छी कीर्तनकारा हैं कानपुर की दामिनी पदम जी अब थोड़ा सा इनमें चेंजमेंट आया है इनकी ओर से बहुमूल्य 151 रुपए का प्रेम प्रसून और साथ में पुष्पमाल आई है बहुत बहुत धन्यवाद है